के 42वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जी हाँ, इस हफ्ते किन 10 टीवी शोज ने लोगों का सबसे ज्यादा प्यार पाया है वो शोज अब सामने आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको इस हफ्ते के टॉप 10 शोज के बारे में। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो 10वें पायदान पर है सब टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। 9वें पायदान पर है स्टार प्लस का शो पांडे स्टोर। जी हाँ, इस शो ने भी जनता को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यही वजह है कि शो हर हफ्ते अच्छी रेटिंग्स के साथ आगे रहता है। इस हफ्ते शो ने हासिल किए हैं 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। 8वें पायदान पर इस बार बाजी जीती है सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर ने। शो को मिले हैं 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं 7वें पायदान पर है साथ निभाना साथिया 2.2 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। 6ठे पायदान पर है राजन शाही का सालों से एंटरटेन करता आ रहा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेल, इस शो में लीप के बाद से नए किरदारों की एंट्री हुई है और नए सिरे से कहानी शुरू होती नजर आई है, जिसकी वजह से ये शो काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। शो को इस हफ्ते मिले हैं 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 के पायदान पर आए शो की। तो इस नंबर पर है स्टार प्लस का ही शो ये है चाहते 2.2 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। 4थे नंबर पर है स्टार प्लस का ही एक और शो इमली। जी हाँ, इस हफ्ते शो ने 4था पायदान हासिल किया है और शो को मिले हैं 2.6 रेटिंग पॉइंट्स। तो वही 3रे पायदान पर है कलर्स टीवी का शो डारिया, जिसने हासिल किए हैं 2.7 रेटिंग पॉइंट्स। 2रे नंबर पर है स्टार प्लस का ही एक और शो गुम है किसी के प्यार में 3.4 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। रही बात नंबर 1 के पायदान की, तो इस बार भी नंबर 1 के पायदान पर है रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा का ही दबदबा, जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करते हुए हासिल किए हैं 3.8 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है इस हफ्ते के टॉप 10 शोज की लिस्ट। अगले हफ्ते कौन कौन से टीवी शोज बाकी लिस्ट में बरकरार रहेंगे ये हम आपको बताने जरूर आएंगे।